महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉपकीपर फेडरेशन पुणे एवं राशन दुकानदार संगठन के तत्वावधान से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया था, जहां जोरदार नारेबाजी के साथ आंदोलकों ने अपनी मांगें रखी। जहां जानकारी देते हुए संजय देशमुख ने बताया कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर राशन दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी करना आवश्यक है, लेकिन सरकार इस बात की ओर नजरअंदाज करी है। साथ ही साथ एपोस मशीन में बहुल नेट गति न होने के कारण दुकानदारों को काफी मात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सरकार ने 5G नेटवर्क प्रदान करना जरूरी है। ऐसी मांग उन्होंने इस वक्त रखी और इशारा दिया कि यदि उनकी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो वो सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम संजय देशमुख है, मैं ऑल महाराष्ट्र शॉपकीपर फेडरेशन का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ, विदर्भ संगठन का सचिव हूँ और वर्धा जिले का अध्यक्ष हूँ। ये जो हमारा मोर्चा है, हमने हमारी जो मांगे हैं हमारे को कमीशन कम मिलता है, कमीशन बढ़ा के देना है। वो सरकार एक साल से हमको एकनाथ ये मुख्यमंत्री है, ये एकनाथ जी शिंदे साहब एक साल से हमारा ये कमीशन बढ़ा नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि हमारी जो कमीशन रुका हुआ है वो कमीशन जल्दी से जल्दी दे, और हमारा जो कमीशन हर महीने का है वो अगले महीने में 5 तारीख के पहले या 5 या 10 के बीच में हमको अनाउंस मिल दे तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि हमारे जो APL कार्ड धारक है, जिसको अनाज नहीं मिल रहा, वो अनाज सबको हर महाराष्ट्र के हर APL धारक को, हर कार्ड धारक को अनाज मिलना चाहिए। और हमारे जो 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल अभी दे रहे हैं, ये 1 किलो गेहूं में हर एक व्यक्ति का एक महीने का अनाज होता क्या, एक किलो में, और गुजारा होता नहीं। और 4 किलो चावल दे रहे, ये 4 किलो और 1 किलो में होता नहीं। इससे हमारी मांग ये है कि हमको कम से कम 3 किलो गेहूं दे और 2 किलो चावल दे। और चौथी जो मांग है, जो हमारा रॉकेल वितरण बंद किया है, रॉकेल वितरण बंद क्यों किया है हम इनको पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं होने के बाद वो अगला जो अधिवेशन मुंबई में रहेगा तो 1 जनवरी से या अगले महीने से या सामने से, जो शासन ने हमको निर्णय नहीं दिया तो हम हड़ताल पे जाएंगे और अनिश्चित काल जाएंगे। हर 2G मशीन बदला के 5G मशीन देवे, इतने हमारी सरकार से मांग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।